ठीक है तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ड्रुपल के अंदर फॉर्म बना ओपन तो कर लिया है कंसोल ओपन कर लेता हूं ठीक है तो मैंने यहाँ पे मेरी एक साइट जो है जिसमें मेरा लोकल ड्रुपल है वो भी मैंने चालू कर लिया है अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है ड्रुपल कंसोल चलाता हूं मैं सबसे पहले तो तो मैं क्या करता हूं रुपल कंसोल या मैंने लिस्ट पे गया मैं सॉरी लिस्ट की गलत लिख दी ठीक है तो यहां हम लोग लिस्ट पे जाएंगे लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्फिक फॉर्म जनरेट करने का ऑप्शन होगा हमारे पास ठीक है तो यहां पे जनरेट कॉन्फिक फॉर्म ठीक है इसको हमको जनरेट करना है लेकिन इसके पहले हमको एक मॉड्यूल का नेम भी चाहिएगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक मॉड्यूल जनरेट करते हैं तो मैं पहले एक मॉड्यूल जनरेट करता हूं कॉन्फिक फॉर्म बताने के लिए तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे जनरेट मॉड्यूल ठीक है जनरेट मॉड्यूल किया मैंने मॉड्यूल का नेम मॉड्यूल uh, का नेम मैं दे देता हूं कस्टम अंडरस्कोर कॉन्फिक ठीक है नेम भी सेम हो जाएगा path भी हो जाएगा है ना पैकेज कस्टम हो जाएगा उसके बाद मॉडल फाइल चाहिए मुझे yes. चाहिए मुझे मॉडल फाइल फीचर चाहिए मुझे नो no चाहिए कंपोजर फाइल चाहिए मेरे को नो no. नहीं चाहिए मेरे को डिपेंडेंसी में नो कर देता हूँ मैं और यहाँ पे भी नो no कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी नो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस ठीक है तो ये क्या हुआ यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है वो जनरेट हो गया कस्टम कस्टम फॉर्म अब हम लोग क्या करते हैं द्वारा से चलते हैं और एक लिस्ट में जाते हैं ठीक है तो लिस्ट में अब हमको देखना है कि कॉन्फिग फॉर्म किस तरीके से बनता है तो कॉन्फिग फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे जनरेट फॉर्म और कॉन्फिक फॉर्म के लिए यहाँ पे जनरेट फॉर्म कॉन्फिक इस तरीके से जी एफ सी होता है ठीक है तो मैं वापस गया यहाँ पे मैंने लिखा जी एफ सी जी एफ सी से क्या होगा कि ये मेरे को पूछेगा कॉन्फिक फॉर्म तो इंटर द मॉड्यूल नेम तो मॉड्यूल नेम कौन सा है मैंने अभी जो मॉड्यूल बनाया वो कौन सा था मेरा कस्टम है ना अंडरस्कोर कॉन्फिक फॉर्म ये हो गया डिफॉल्ट क्लास yes, कर देता हूं मैं डिफॉल्ट फॉर्म क्लास कर दिया हमने ठीक है uh, यहां पर मैं नो no कर देता हूं अभी हाल फिलहाल ठीक है डू यू वॉन्ट टू जनरेट ए कॉन्फिक फाइव फॉर्म यस यस किया मैंने ठीक है फॉर्म स्ट्रेक्चर यस फॉर्म स्ट्रेक्चर के अंदर ही वो जाएगा अब हमको यहाँ पे ये यह फील्ड पूछ रहा है कि कौन कौन सी फील्ड मेरे को रखना है यू के लिए एक फील्ड होता है फर्स्ट नेम के लिए होता है लास्ट नेम के लिए होता है तो मैं यहाँ पे तीन फील्ड रखना चाहता हूँ ठीक है तो मैं पहली फील्ड क्या रखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड रखूंगा तो मैंने ये क्या किया यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के लिए कॉपी किया पेस्ट किया तो ये टेक्स्ट फील्ड हो गया ठीक है लेवल में मैं लिख देता हूं यहाँ पर फर्स्ट नेम तो ये फर्स्ट नेम लेवल हो गया इनपोर्ट Yes, पे इसको भी यस yes किया डिस्क्रिप्शन देना नहीं है डिफॉल्ट वैल्यू देना नहीं है जीरो ठीक है सेकेंड uh, मैंने क्या किया यहाँ पे भी है ना तो वो भी मैंने कौन सा फील्ड रखा यहाँ पे सेकेंड फील्ड भी मैंने यहाँ पे रखा टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड इनपुट लेवल में मैंने दे दिया यहाँ पे लास्ट नेम ठीक है मशीन नेम ये हो गया डिफॉल्ट वैल्यू हो गया वेल्यू टाइप हो गया है ना ये पाथ ये हमारे सिस्टम का पाथ रहेगा इस पाथ पे जाके हमको करना पड़ेगा जनरेट ए मीनू लिंक मैं कर देता हूं यस yes. यस yes कर दिया मैंने ठीक है yes यस कर दिया और यहाँ पे टाइटल में मैं दूंगा तो माय कॉन्फिक माय कॉन्फिक फॉर्म ये मैंने टाइटल दे दिया ठीक है yes. यस डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल कॉन्फ़िग फॉर्म ये लिख दिया मैंने ठीक है राउटिंग हो गई और इस तरीके से ही हमारा ये भी जनरेट हो गया अब हम क्या करते हैं इस मॉड्यूल को करते हैं इनेबल लेकिन इनेबल करने से पहले मुझे सी आर कमांड रन करना होगा तो मैं यहाँ पे जाके सी आर कमांड को रन कर देता हूँ ठीक है सी आर कमांड रन होगा थोड़ा टाइम लगेगा लगभग एक से दो मिनट फिर हम लोग जाएंगे मॉड्यूल में और इस मॉड्यूल को करेंगे हम लोग इनेबल तो ये हमारा कस्टम कॉन्फ़िग फॉर्म जो है वो आ गया कस्टम कॉन्फिक फॉर्म को मैंने चेक किया और यहां पे मैंने इंस्टॉल किया ये मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद इस पाथ पे हमको ये मॉड्यूल इस पाथ पे हम लोग जाएंगे तो हमारा जो मॉड्यूल है वो फॉर्म जो है वो हमारा दिखाई देगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे तो मैंने इसको कॉपी किया ये हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है अब हम लोगों ने क्या किया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन था हमारा ना ये यह यहाँ पे भी आ गया माय कॉन्फ़िग फॉर्म इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दो फील्ड आ गया ठीक है अब इसमें आप एक यू आर एल फील्ड भी बना सकते हैं और अब जिसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम अतुल लास्ट नेम शर्मा और सेव कॉन्फिग्रेशन पे क्लिक किया तो ये कॉन्फिग्रेशन पे सेव हो गया तो अब इस फॉर्म को अगर मैं देखता हूँ तो ये मॉडुल्स फोल्डर के अंदर कस्टम फोल्डर के अंदर कस्टम फोल्डर के अंदर मॉड्यूल के अंदर ये वाला फॉर्म है हमारा एस आर सी है फॉर्म है फॉर्म के अंदर ये डिफॉल्ट फॉर्म है ठीक है अब जो भी हमको मॉडिफिकेशन करना है मतलब जो हमको वेलीडेशन लगाना है तो वो हम यहाँ पे वेलीडेशन लगा सकते हैं ठीक है जैसे मान लो मेरे को अब एक और फील्ड बनाना है तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे जाके और यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ यू है ना टाइप मैंने यू लिख दिया तो मुझे जो फील्ड बनानी है वो किसके लिए बनानी है यू फील्ड बनानी है तो मैंने यू लिख दिया देखते हैं ये फील्ड बनती है कि नहीं यू की अभी नहीं बनी। मुझे यहाँ पर एक बार ड्रस सी आर रन करना पड़ेगा ड्रस CR मैंने रन किया। ये changes हम कर सकते हैं कहने का मतलब मेरा ये था यहाँ पे लास्ट नेम है सॉरी इसलिए हो रहा है मेरे को यहाँ यू आर एल लिखना होगा तो मैंने यू आर एल लिखा और हमने ड्रस सी आर को रन तो ये एक फील्ड और आ गई हमारे पास लास्ट नेम लेकिन ये है यू आर एल तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा यू आर एल लिखना पड़ेगा अगर हम कोई यू आर एल इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो मैंने यू आर एल लिख दिया तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म बनाते हैं और जितने भी फंक्शन है ना अभी फॉर्म यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर्म को यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं इस फाइल में जाके सबमिट फॉर्म पे यहाँ पे जाके आप सबमिट फॉर्म कर सकते हैं और अगर आपको कोई वेलीडेट करना है तो वेलिडेट फॉर्म का भी एक फंक्शन यहाँ पे बना के हम लोग वेलीडेट भी कर सकते हैं